Hello dear children, welcome to my maths video class for 17th November 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves. Stay happy, stay healthy and stay safe children. Keep on following all the safety precautions, keep on following all the COVID protocols. And at the same time children, please be regular with your classes, watch the videos regularly and keep on completing your work on time. We have completed chapter number 10, that is measurement. Okay, so today we will be doing activity worksheet 12. Okay, activity worksheet number 12, which is based on measurement only. ठीक है, measurement chapter जो हमने पढ़ा उसमें हमने estimating length पढ़ा, then we talked about उसमें हमने फिर non-standard units of measurement जो होती हैं जिसमें कि हम finger use करते हैं, hand span use करते हैं, cubit use करते हैं, foot use करते हैं, these are all non-standard units of measurement. ओके, नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं बिकॉज दे डू नॉट गिव अस अ स्टैंडर्ड आंसर. ये हमें एक एग्जैक्ट करेक्ट आंसर नहीं देती हैं, ये हमें दे ऑल गिव अस डिफरेंट आंसर बिकॉज हर एक अलग अलग लोग मेजर करेंगे किसी चीज़ को, तो किसी की फिंगर पतली होगी, किसी की मोटी होगी, किसी का ये हाथ बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, तो वी गेट डिफरेंट आंसर्स. ओके, सो दैट इज़ वाई दीज आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. एंड देन फिर इस चैप्टर में हमने हैवी एंड लाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा. ठीक है, कि को हैवी एंड लाइट दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेट, हैवियर एंड लाइटर दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेट. तो कोई चीज़ हैवी हो सकती है, कोई चीज़ लाइट होगी, तो हाउ डू वी कंपेयर वेट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, हैवियर और लाइटर, जब हम कंपेयर करते हैं एंड ग्रुप में से कौन सी चीज़ सबसे भारी है या क्या सबसे हल्का है, दैट इज हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट. तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी. नाउ दिस एक्टिविटी वर्कशीट नंबर 12, ये जो है ये मेजरमेंट चैप्टर पर ही बेस्ड है. ओके, सो टर्न टू पेज नंबर 129 इन योर मैथ्स बुक, पेज नंबर 129 मैथ्स बुक में. ओके, एक्टिविटी वर्कशीट नंबर 12. द फर्स्ट इज टेक द हेवियर ऑब्जेक्ट. ओके, फर्स्ट इज टी आई सी के, टेक द एच ई ए वी आई ई आर, हेवियर ओ बी जे ई सी टी, टेक द हेवियर ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ हियर व्हाट डू यू सी, इसमें क्या दिख रहा है, एक बैलेंस है. ठीक है, बैलेंस जो होता है ना, फर्स्ट वन इज अनइक्वल, दिस इज द फर्स्ट वन ओनली, टेक द हेवियर ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट डू यू सी हियर, यहाँ पे एक बैलेंस है. बैलेंस ऐसे होता है ना, ये बैलेंस में दो साइड में पैन होते हैं एंड बीच से उसका हैंडल होता है. ओके, नाउ ऑन वन साइड यू कैन सी अ टोमेटो, इधर में एक टोमेटो रखा हुआ है एंड दूसरे साइड में समथिंग हेवियर इज देयर, सेकेंड साइड इज आई थिंक वाटरमेलन. ओके, नाउ जैसा हमने पढ़ा था हेवियर एंड लाइटर के कॉन्सेप्ट में, व्हेन वी कंपेयर द वेट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, तो हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्वियसली बात है कि जो चीज़ जब हम जो तराजू होता है, बैलेंस जिसको बोलते हैं, उस पर दोनों साइड में जब हम चीज़ें रखते हैं, व्हेन वी बाय समथिंग, व्हाट डू द वेजिटेबल वेंडर डू, क्या करता है, ऑन वन साइड ही कीप्स द वेट, जितना हमें सामान चाहिए उसके अकॉर्डिंग, 1 kg चाहिए तो 1 kg का वेट रखता है, एंड ऑन द अदर साइड जो भी वेजिटेबल हमें लेनी है वो रखता है. ठीक है, तो आप देखते हो कभी एक साइड ऊपर जाता है, कभी एक साइड नीचे आता है, दैट मीन्स जो साइड हैवी हो जाता है वो साइड नीचे चला जाता है. तो वो क्या करता है, कभी जैसे सपोज 1 kg पोटैटो लेना है, उसने डाला पोटैटो तो थोड़ा नीचे चला गया, दैट मीन ज़्यादा हो गया 1 kg से, तो उसने 2 पोटैटो निकाल लिए, तो फिर थोड़ा कम हो गया, तो क्या करते हैं फिर वो एक कोई छोटा पोटैटो डाल दिया. तो जब तक कि दोनों पैन बराबर नहीं होते तब तक वो वे करता रहता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो जिस साइड में भी जो साइड हैवी होगी वो साइड तो नीचे जाएगी ना, जैसे सीसॉ जो होता है, जो आप झूला झूलते हो सीसॉ, तो जो ज़्यादा प्रेशर लगा करके वो जो हैवी होता है वो नीचे जाता है. तो हियर यू हैव टू टेक द हैवियर ऑब्जेक्ट,
तो ऑब्वियसली विथ द साइड विच इज ऑन द लोअर साइड, जो पैन का जो साइड नीचे है लोअर है दैट इज हैवियर, तो इस पे हम यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है, हियर वी विल पुट अ टिक, फाइन। देन सेकेंड इज क्रॉस द लॉन्गर ऑब्जेक्ट, सेकेंड वन क्या है, सी आर ओ डबल एस, क्रॉस द एल ओ एन जी ई आर, लॉन्गर ऑब्जेक्ट, ओके, क्रॉस द लॉन्गर ऑब्जेक्ट, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स, वन इज अ पेंसिल, ऑब्जेक्ट्स है वन, एक तो पेंसिल है और सेकेंड क्या है, सेकेंड इज अ क्रिकेट बैट, ठीक है, इसमें आपको लॉन्गर ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है, क्रॉस द लॉन्गर ऑब्जेक्ट, पेंसिल एंड क्रिकेट बैट विच इज लॉन्गर, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट द बैट इज लॉन्गर, यहाँ पे हम बैट पे क्रॉस करेंगे। हियर इन दिस चैप्टर वी हैव नॉट डन एक्चुअल मेजरमेंट, ठीक है, यहाँ पे हम जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन देख करके वी कैन से कि विच इज हेवियर विच इज लाइटर जो भी है, ठीक है। देन थर्ड इज कलर ग्रीन द टॉलेस्ट, सी ओ एल ओ यू आर, कलर ग्रीन द टी ए एल एल ई एस टी, टॉलेस्ट एंड येलो द एस एच ओ आर टी ई एस टी, शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कलर ग्रीन द टॉलेस्ट एंड येलो द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट, हमें टॉलेस्ट यहाँ पे जो फोर ऑब्जेक्ट्स है इसमें जो टॉलेस्ट है उसे हमें ग्रीन कलर से कलर करना है एंड शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट को येलो कलर से। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स, क्या क्या है यहाँ पे, फर्स्ट वन इज अ कोकोनट ट्री, अभी मैं कोकोनट ट्री तो बना सकती हूँ बट आई कैन नॉट मेक थ्री अदर ड्रॉइंग्स, तो फर्स्ट वन इज सी ओ सी ओ एन यू टी, कोकोनट ट्री, ठीक है, सेकेंड इज सेकेंड क्या है, जिराफ, जी आई आर ए डबल एफ ई, जिराफ, थर्ड इज कैट एंड फोर्थ वन इज एच ओ आर एस ई, फोर्थ वन इज हॉर्स, ओके। सो नाउ हियर यू हैव टू कलर ग्रीन द टॉलेस्ट एंड येलो द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट, अभी इसमें टॉलेस्ट क्या है देख करके वी कैन मेक आउट दैट कोकोनट ट्री इज द टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको टॉलेस्ट को आपको क्या करना है, ग्रीन कलर से कलर करना है एंड कैट इज द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट, कैट सबसे छोटी है तो कैट को किस कलर से करना है, येलो, ठीक है, कैट शॉर्टेस्ट है तो कैट को हमें येलो कलर से करना है, ओके, इसको आप कलर कर लोगे। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस, फोर्थ वन इज आंसर द फॉलोइंग, फोर्थ इज ए एन एस डब्ल्यू ई आर, आंसर द एफ ओ एल एल ओ डब्ल्यू आई एन जी, आंसर द फॉलोइंग, फर्स्ट इज ए इज कैन यू मेजर अ पेंसिल बाय अ क्यूबिट, ठीक है, यू जस्ट हैव टू से यस और नो, ओके। अच्छा मैंने पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूं, बी इज कैन यू मेजर अ बुक by a hand span, can you measure a book by a hand span and which is heavier, a flower or a flower pot, C is which is h e a v i e r heavier, a flower
or a flower, flower pot. Okay, now let us see the answer. Let us find out the answer. Can you measure a pencil by a cubit? Now children, I hope you all remember cubit kya hai. Finger hai, this is jisko bitta bolte, jo ye distance hota hai, this is hand span. Span bhi bolte, hand span bhi bolte. Distance from the tip of the thumb to the tip of the last finger, small finger. This distance is span or hand span. Finger, cubit is the distance from our elbow to the tip of the middle finger. क्योंकि middle finger सबसे लंबी होती है, तो यहाँ हमारे elbow से लेकर यहाँ तक का जो distance है, that is cubit. Okay? So children, can you measure a pencil by a cubit? अभी एक मैं pencil भी लेती हूँ. This is a pencil. Okay? तो इसको हम क्या cubit से measure कर सकते हैं? No. Cubit से हम क्या measure कर सकते हैं? जैसे ये white board है. ठीक है, तो इसकी लेंथ हम क्यूबिट से मेजर कर सकते हैं. क्लास में जो आप ग्रीन बोर्ड देखते हो, जो व्हाइट बोर्ड देखते हो, दे कैन बी मेजर्ड विद क्यूबिट. पेंसिल को हम क्यूबिट से नहीं मेजर कर सकते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? नो. आई होप यू ऑल हैव ओपन्ड दिस एक्टिविटी वर्कशीट. साथ साथ आप आंसर लिखते चलोगे बुक में. ओके, सो इसका आंसर है नो. नाउ कैन यू मेजर अ बुक बाय अ हैंड स्पैन? अभी लेट अस सी. This is your maths book, okay? ये maths book है आपकी. अभी इसको आप देखो कि क्या आप इस book को, can you measure it by hand span? The answer is yes. ठीक है ना, ये hand span होता है, तो so this is almost one and a half half. ठीक है, इस book की length क्या है? One and a half hand span. And width you can say is almost one hand span. तो can you measure a book by a hand span? The answer is yes, we can measure. ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे yes. Now third is, which is heavier, a flower or a flower pot? क्या चीज भारी है, फ्लावर भारी होगा या फ्लावर पॉट भारी होगा? Obviously फ्लावर पॉट भारी होगा ना. So which is heavier, flower or a flower pot? Answer is flower pot. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? F L O W E R, flower pot. Okay? So I hope you have written the answer. Now question number fourth is, choose the correct option. इसको मैं erase कर दे रही हूँ, because I hope everyone has written and here you just have to write no, yes and flower pot. That is all. ठीक है, बस इतना ही लिखना है. तो इसको मैं erase कर रही हूँ. No. Next is, choose the correct option. Fifth is, choose the correct option. C H O O S E, choose the C O R R E C T, correct O P T I O N, choose the correct option. ठीक है. Now first is, which is wider? A is W H I C H, which is wider, a river or a drain in front of your house? A river or a drain in front of your house. ठीक है, तो यहां पे आंसर लिखेंगे. अभी पहले क्वेश्चन लिख लो ए, देन बी इज, हु इज टॉलर, यू और योर फादर? हु इज टॉलर, यू और योर फादर? ओके, एंड सी इज, whose house is farther from the school? Your or your friends? ये मैं नहीं लिख रही हूँ. ठीक है, बिकॉज इसका आंसर, करेक्ट आंसर कोई नहीं है, इसलिए ये वाला मैं नहीं लिख रही हूँ. इसका एक स्पेसिफिक आंसर हमें नहीं मिलेगा. नाउ विच इज वाइडर? वाइडर का मतलब क्या है? वाइडर माने चौड़ा. तो आउट ऑफ दीज टू, अ रिवर और अ ड्रेन इन फ्रंट ऑफ योर हाउस. रिवर, एज वी ऑल नो, रिवर माने नदी, और ड्रेन बोलते हैं नाले को.
जैसे घर के सामने से, कई बार घर के सामने से पीछे से कहीं से नाला जाता रहता है ना, तो इसमें से वाइडर क्या है, रिवर या ड्रेन? ऑब्वियसली रिवर इज वाइडर, बहुत नैरो रिवर भी होगी बट स्टिल इट वुड बी वाइडर देन अ ड्रेन. सो विच इज वाइडर, अ रिवर और अ ड्रेन? आंसर इज रिवर. ठीक है. हु इज टॉलर, यू और योर फादर? कौन लंबा है, आप या आपके फादर? ऑब्वियसली योर फादर इज टॉलर, वेरी मच टॉलर देन यू, बिकॉज आप तो भी बहुत छोटे छोटे हो. तो हु इज टॉलर, यू और योर फादर? द आंसर इज फादर. ओके. द थर्ड क्वेश्चन इज कि whose house is farther from school? Farther का मतलब है दूर. ठीक है. Near far, near माने पास, farther मतलब दूर. तो स्कूल से किसका घर दूर है, तुम्हारा घर या तुम्हारे फ्रेंड का घर? ना इट डिपेंड्स कि आप अपने किस फ्रेंड की बात कर रहे हो. ठीक है. मे बी आप GTC कैंपस के अंदर रहते हो और यो एंड योर फ्रेंड स्टेज इन सदर बाजार और इन फुलवरिया. तो ऑब्वियसली जो सदर बाजार या फुलवरिया में है उसका घर आपके घर से दूर होगा. ठीक है. और मे बी यू स्टे इन फुलवरिया एंड योर फ्रेंड स्टेज इन साइड GTC कैंपस, तो योर हाउस वुड बी फादर. तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने किस फ्रेंड के घर से अपने घर का डिस्टेंस कंपेयर कर रहे हो. ठीक है. तो जिसके साथ भी कंपेयर कर रहे हो उसके हिसाब से आप लिखोगे कि यू और योर फ्रेंड्स. ओके. सो एक्टिविटी वर्कशीट 12 इज कंप्लीट. In the next class, children, we will start with lesson number, chapter number 11, that is time. So today I'll stop here only. Thank you and have a good day.